हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राव। आप लोगों को स्वागत है मेरे वीडियो में। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है मोटोरोला का फोन्स के बारे में। मोटोरोला दो फोन्स रिलीज कर रहा है, G40 एंड G60। इस मंथ के एंडिंग में या मे का फर्स्ट वीक में आ जाने का चांसेस है। और इसमें स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर यूज कर रहा है दोनों में। और डिस्प्ले होगा IPS LCD का और फुल HD प्लस 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ। और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन रहेगा। और बैटरी रहेगा और रेयर साइड पे पॉलीकार्बोनेट रहेगा। ट्रिपल कैमरा रहेगा, फ्रंट में पंच होल कैमरा रहेगा। बैटरी 6000 mAh रहेगा और 20 वाट्स फास्ट चार्जर रहेगा। एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा, स्टॉक एंड्रॉयड UA के साथ आएगा। और रेयर में 4K वीडियो कर सकते हैं। सेंसर्स ऑल रहेगा, फ्रंट में 1080 का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। डेडिकेटेड स्लॉट्स रहेगा और IP52 रेटिंग रहेगा, 3.5 mm जैक रहेगा। ये सब कॉमन है इसमें दोनों में, सिर्फ एक चीज में अंतर रहेगा। और 6GB 128GB का वेरिएंट और 8GB 128GB का वेरिएंट भी आ जाएगा दोनों में, दो दो G40 एंड G60 में। ये सब कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस है। अभी इस दोनों में अलग कौन सी होगा, ये 108MP का रेयर कैमरा होगा G60 में और 64MP का रेयर कैमरा होगा G40 में। सब कुछ ये न्यूज़ लीक्स के अनुसार आ गया है ऑलमोस्ट। तो इस महीने के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये रिलीज होने का चांस है। मोटोरोला फैंस के लिए ये खुशखबरी है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।